हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज सातवां चल रहा है। ठीक है, कौन सी सीरीज है? ये सातवीं सीरीज है जिसमें आपको टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 13 है। ठीक है ना, इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और वो कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ? सर्वेश के वर्मा बुक की करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो उसी के जो क्वेश्चन है ना, इसी बुक के जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों लेवल टू शुरू हो गया है। ठीक है, और लेवल टू जो आपको 11वें पार्ट से ही शुरू हो गया है और ये पार्ट 13 है। अगर आप बाकी के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो वो आपको उसके लिए या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ से जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे लेवल वन के वीडियोज़ हैं और लेवल टू के वीडियोज़ हैं। ठीक है, जो बचे हुए लेवल टू है वो आपको वहाँ पे पीछे के जो लेवल टू के जो क्वेश्चन है ना वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज एक और तरीका है, आप नीचे जाओगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क का जितना भी वीडियोस मैंने डाल रखा है ना, वो सारे वीडियोस का आपको लिंक नीचे में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो किन के लिए इंपॉर्टेंट होगी? जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर जो सीपीयू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो जाए या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन का, बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस हैं ना इसमें, उसी तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा अगर आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, और समझिएगा क्योंकि इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसे थोड़ा डिफरेंट मिले, लेकिन आपको ऐसे ही अपनी अप्रोच रखनी है। जो अप्रोच मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, उसी तरह का अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में भी रखना होगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंसेप्ट अपना क्लियर मैं करते चलूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आप उसको आसानी से वहां पे हल कर पाओगे और सही सही उत्तर निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। जो भी दोस्त अगर आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, इनमें से कोई भी, बैंकिंग का हो गया या फिर एसएससी का हो गया, तो या कैट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, सवाल शुरू करने से थोड़ा सा छोटा सा बात और, एक इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, 20 तक मैंने करवा दिया, जो भी 11th पार्ट और 12th पार्ट था उसमें 20 तक हो रखा गया। तो 20 के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, 10 क्वेश्चन के आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, 5 टेलर्स ए बी सी डी एंड ई स्टिच 1800 शर्ट्स इन 90 डेज वर्किंग अल्टरनेटिवली। ठीक है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड इन सिंगल डे बाय वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 5 टेलर्स है, दर्जी हैं जो कपड़े सिलते हैं, उसमें कौन कौन से, एक तो ए है, एक तो बी है, सी है, फिर डी है और ई है, जो कि 1800 शर्ट्स 90 दिनों में सिल देते जब अब वर्किंग क्या अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आज एक किया तो कल एक किया, फिर परसों एक किया, वैसे करके अल्टरनेटिवली जो वर्क करते हैं, तो 90 दिनों में 1800 शर्ट्स को स्टिच कर देते हैं, सिल देते हैं। तो पूछ रहा मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड इन ए सिंगल डे, एक दिन में कम से कम कितना शर्ट स्टिच कर पाएंगे अगर सभी मिलकर काम करते हैं। क्या बोल रहा है, सभी मिलकर जब काम करते हैं तो कितना शर्ट वो सिल पाएंगे। ठीक है, मिलके एक दिन में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 5 जने दे रखा गया है, तो ए है, फिर उसके बाद कौन है, बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये कितने दिनों में शर्ट सिल जाता है, ये ए दिनों में शर्ट सिल जाता है, ये बी दिनों में, ये सी दिनों में, ये डी दिनों में और ये ई दिनों में। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया।
ठीक है, अगर मुझे सबकी इफिशियंसी निकालनी है, अगर मुझे सबकी इफिशियंसी निकालनी, ये क्या मैंने लिख दिया, डेज लिख दिया है, ठीक है, ए बी सी डी जो स्मॉल में नीचे लिखा हुआ है वो क्या आपको डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी है तो एक इफिशियंसी कितनी हो सकती है, अगर मैं एक इफिशियंसी की बात करूँ तो एक इफिशियंसी 1/A होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज ये, तो उसी तरह से बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/B हो जाएगी, उसी तरह सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1/C हो जाएगी, उसी तरह से डी की हो जाएगी 1/D, उसी तरह से ई का हो जाएगा 1/E, ठीक है। अगर मैं सबको जोड़ना चाहूँ कि इसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D प्लस 1/ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डेज है, तो डेज कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 1800 आ जाएगा। इफिशियंसी मुझे निकालना है ना, तो 90 दिनों में वो 1800 शर्ट कर पाते थे, 90 डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा ये 1800, क्लियर है यहाँ से, ये कितना हो जाएगा आपको 20, मतलब 1/20, इनका क्या हो जाएगा, सबका एफिशिएंसी का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 शर्ट क्या हो गए 1 दिनों में, ठीक है, यही हो गया एफिशिएंसी, 1/20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और बोला जा रहा, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर, मिनिमम कम से कम, तो कम से कम कब हो सकता है, जब इन सब की वैल्यू, जो एफिशिएंसी जो हमने निकाली है सबकी वैल्यू क्या, मतलब अगर ए बी सी डी ई मिनिमम कब होंगे, कम से कम कब हो सकते हैं, जब सब क्या हो आपके बराबर हो, जब सब बराबर होंगे तभी जाके इनका क्या हो जाएगा, मिनिमम निकलेगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। सब जब बराबर होंगे तभी जाके मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स की वैल्यू निकलेगी, जब सब बराबर होंगे तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सब 1/A 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 हो गया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/A कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पे कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 1 1 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5/A, 5/ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और हमको क्या निकालना था, 1 दिन में कितना होगा, तो ये ए क्या है, दिन की वैल्यू है ना, ए यही तो डेज ही निकाले थे ना हमने, तो ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 100, मतलब 1 दिनों में कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं, कम से कम कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं, 100 शर्ट्स 1 दिन में स्टिच हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, यही चीज निकालना था हमें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारे सवाल जो है ना बहुत अच्छे सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को, उनके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल आप इसमें दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, दूसरा सवाल क्या है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, 8 men and 5 women working 6 hours a day can complete a work in 4 days. Also, 4 men, 5 women working for 8 hours a day can complete the same job in 5 days. Similarly, 5 boys working 8 hours a day can complete the same job in 30 days. ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है ना, इसी ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा गया 22 और 23 के लिए सेम डायरेक्शन यही है दोनों के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल इसमें 22 नंबर हमने लिया है, तो चलो डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन में क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि 8 men and 5 women, 8 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करती हैं तो 4 दिनों में वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आल्सो 4 आदमी और 5 औरतें उसी काम वर्किंग फॉर 8 आवर्स, अगर 8 दिन, 1 दिन में 8 घंटे ही काम करते तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली सेम 5 लड़के 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते तो सेम जॉब, वही जॉब 30 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो इतना तो क्लियर है, तो इतना हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला क्या बोला गया यहाँ पे हम लोगों को कि 8 आदमी और क्या बोला गया, 5 औरतें किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा यही हो जाएगा ना, इनटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 6 × 4 = 24, कितना हो गया 24 हो गया, क्लियर है। अब उसी के बाद क्या बोल रहा है कि 4 आदमी उसी काम को और 5 वुमेन उसी काम को साथ में अगर कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, 5 दिनों, मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगा ये, 40 दिनों में, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 40 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि
पांच लड़के 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं, 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो 30 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, अब देखो इसमें नीचे जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, अभी सवाल देख लो फिर उसमें आगे कैसे बढ़ते वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें सवाल क्या बोल रहा है, 22 नंबर में, अगर चार लड़के आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के अगर उसी काम को अगर एवरी डे अगर 5 घंटे करते हैं तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अगर साथ मिलकर अगर ये काम करते हैं, 5 घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये चीज़ आपसे नीचे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 24 है ना, तो यहाँ पे 24 से डिवाइड मारेंगे या 24 से यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लिया कितना 24, और ये कितना हो जाएगा 8 मेन और 5 वुमेन। अच्छा मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, इधर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से मैं क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना है और लड़के के बीच में भी रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो रिलेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना कर लिया 40, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मेन प्लस 5 वुमेन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, दोनों के इक्वल में कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 आदमी प्लस 5 वुमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मेन प्लस 5 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 8 + 24 हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 24 मेन हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 15 वुमेन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 मेन हो जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा 25 वुमेन हो जाएगा। मेन को इधर ले जाते हैं, वुमेन को उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 4M हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 10 वुमेन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन निकालना चाहूँ तो 1 मेन एक आदमी कितने के बराबर हो जाएगा, 2.5 वुमेन के बराबर हो जाएगा बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन लिखने का मन है तो फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 वुमेन के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन और वुमेन का रिलेशन यहाँ से हमारा क्या हो गया, निकल गया, मेन और वुमेन का रिलेशन यहाँ से हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब हमें लड़के का भी निकालना पड़ेगा। देखो लड़के का निकालने से पहले एक चीज और, हाँ लड़के का देखो निकाल सकते हैं हम लोग इधर, लड़के का हम क्या करेंगे, लड़के का कितना बोल रहा है, 5 लड़के कितना 240 है, 240 काम करते हैं, 5 लड़के कितना काम करते हैं 240 करते हैं, तो एक लड़का कितना करता होगा, एक का निकालते, एक लड़का कितना करता होगा, तो 240 इंटू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे ना, 5 से क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। कभी भी ये चीज ध्यान देना, टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं ना, जब ज्यादा से कम जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब कम से ज्यादा में जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को, क्योंकि जब आदमी अगर बढ़ेंगे तो काम क्या होगा, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम होंगे ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं। तो कितने दिनों में काम, कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो, या कितना काम करेंगे, एक लड़का फिर कितना करता होगा काम, 5 × 24, 5 × 2 = 10, कितना हो जाएगा ये 1200, कितना हो जाएगा 1200, 1200 काम करता है एक लड़का। क्लियर है। अब देखो मैंने आदमी और औरत का रिलेशन यहाँ पे भी निकाला है ये डेसिमल में, और यहाँ पे किसमें, फ्रैक्शन में। चलो अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, देखो इसमें क्या करता हूँ ना मैं, आदमी का रिलेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आदमी का क्या कर देता हूँ यहाँ पे, रिलेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जब मैं आदमी का यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करूंगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, औरत का निकल जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 8 आदमी था, तो एक आदमी कितने औरतों के बराबर है, 5/2 m है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/2 W प्लस कितना हो जाएगा 5 W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, इसको और मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, ये 4 × 20 हो जाएगा, मतलब 25 औरतें 25 वुमेन हो जाएगा ना, 5 × 20 और 5 = 25 हो जाएगा। 25 औरतें कितने दिनों में काम, कितना काम करती हैं, 24 काम करती हैं। ठीक है, तो एक औरत का कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 वुमेन, 1 वुमेन का कितना हो जाएगा 24 × 25, कितना हो जाएगा 24 × 25, दोनों गुना करोगे तो दोनों गुना करने पे कितना आ जाएगा आपको, 600 काम करती है, मतलब एक औरत कितना काम करती है, 600 काम करती है। ठीक है, उसी तरह से अब आदमी का निकाल लेते, आदमी वाला एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट करते औरत वाला, तो आदमी का भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, औरत वाला पुट करेंगे, यहाँ पर लिख लिया 4M प्लस 5M है ना, 5W है ना, 5W है, तो 1W कितने आदमी के बराबर हो जाएगा, 2/5 के बराबर हो जाएगा, 2/5, ठीक है,
और इनटू क्या लिख लेंगे हम लोग, 5W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40, ये 5 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आदमी होगा, यहाँ पे एम होगा ना, ठीक है, 6 आदमी कितने दिनों काम कंप्लीट करता है, 40 दिनों में, तो एक आदमी का कितना हो जाएगा ये 240 दिनों में, ठीक है। देखो एक औरत का कितना आ गया, 600, एक सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लो, अलग से लिख लेते, एक आदमी का कितना हो गया हमारा 240, ठीक है, एक औरत का कितना हो गया, यहाँ से एक औरत का आ गया 600, और एक लड़के का, एक बॉय का कितना हो जाएगा यहाँ से 1200, एक लड़के का कितना हो गया 1200 हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलो इतना थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा, इतना मैंने लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इतना आपको लिखना है एग्जामिनेशन में नहीं है, शॉर्टकट करना है, कैलकुलेशन जितना हो सके उतना फास्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक आदमी का आ गया 240, एक औरत का कितना आ गया 600, और एक लड़के का कितना आ गया 1200। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क आपसे पूछूँ, टोटल वर्क कितना है, तो आप क्या करोगे, सबका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 1200 आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में कितना करता होगा, फिर 5 काम करता होगा, एक औरत कितना करती होगी, 2 करती होगी, एक लड़का कितना करता होगा, 1 करता होगा, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 4 आदमी 3 औरतें 4 लड़के इस काम को अगर 5 घंटे करते प्रतिदिन, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कितने की, 4 आदमी 3 औरतें और 4 लड़के, कितना हो जाएगा, 4 आदमी, 4 × m कितना है, m 5 है, ठीक है, 3 औरतें, 3 × क्या है, 2 है, और ये कितना 4 × 1 है, ठीक है, कितना काम करते होंगे ये, 5 × 4 = 20 हो गया, 20, और ये कितना, 6 हो गया, और ये 4 हो गया, 6 × 4 = 10, कितना 30 काम करेंगे, 30 काम करेंगे ना, और प्रतिदिन कितना करना है, 5 घंटे करना है, ठीक है, और टोटल काम कितना है 1200 है, तो जब इसका निकालना पड़ेगा तो इसका कितना कर लेंगे, 1200 बटे में कितना लेंगे, 30, और 5 घंटे प्रतिदिन है, तो यहाँ पे बटे में कितना लेना होगा हमको, 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 40, और 5 कितने चला जाएगा, 8, मतलब कितना करना है ये, 8 आवर, ठीक है, सॉरी 8 दिन, 8 डेज हो जाएगा यहाँ पे, 8 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद जो दूसरा वाला सवाल है, 23 नंबर सवाल है, वो देख लेते हैं, ठीक है, 23 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसी से रिलेटेड था सवाल ये। इसमें क्या बोल रहा है, इफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन बॉयज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, अगर आदमी और औरतों को अगर एम्प्लॉय नहीं करते हैं, देन मिनिमम हाउ मेनी मेन कैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 6 डेज इफ द वर्किंग आवर्स पर डे कैन नॉट एक्सीड्स 9 आवर्स, ठीक है। अगर हम औरत को और बच्चों को अगर एम्प्लॉय नहीं करते, उनको नहीं भेजते काम पे, ठीक है, उनको अगर काम पे नहीं भेजते हैं, तो ये काम आदमी कितने दिनों में ये काम को कंप्लीट कर ले, मतलब कितना, कम से कम कितना आदमी चाहिए होगा कि जो ये काम को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, ठीक है, जो ये काम को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, अगर प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, और कितने दिनों तक काम करना है, सिर्फ 6 दिनों तक काम करना है। तो देखो आदमी का यहाँ पे कितना था, आदमी का काम था 240 था ना, तो हम लोग को टोटल काम कितना करना है, 240 ही काम करना है, 240 करना, और आदमी हम सपोज करो एम आदमी को रखे, कितने आदमी को रखे, एम आदमी को रखे, अच्छा कितने दिन तक काम करना है, डी डेज तक करना, और एक सी 9 घंटे से ऊपर नहीं जाना, 9 घंटे से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, हमारे क्वेश्चन बन के तैयार है। एम की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 640 बटे में कितना लिख लोगे, 6 × 9, ये कितने चला जाएगा, 40 हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4.4 आ जाएगा। अच्छा ये डेसिमल में हमारा कभी भी नहीं होगा, ये हमारा डेसिमल में कभी भी नंबर ऑफ मेन क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो कितने हो सकते हैं, 4.4 के आसपास कौन सा, आपको 5 है ना, मतलब 5 आदमी हमें चाहिए ही चाहिए कम से कम इस काम को कंप्लीट करना है, अगर 9 घंटे से एक्सीड नहीं करना है, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 6 दिनों से ज़्यादा भी, 6 दिनों तक ही काम को भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 24th नंबर सवाल है। एक लव्या कैन डू द 6 टाइम्स द एक्चुअल वर्क इन 36 डेज व्हाइल फैजल कैन डू द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए ये सब सवाल जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एकलव्या जो है ना 6 गुना काम, जो भी हमारा एक्चुअल काम है उसका 6 गुना काम वो 36 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एकलव्या। ठीक है, उसके बाद फैजल जो है ना, उस जो हमारा ओरिजिनल वर्क है, जो एक्चुअल काम है, उसका 1/4 जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 3 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में अगर वो दोनों मिलकर साथ में उस काम को करते हैं तो उसका जो एक्चुअल वर्क है उसका 3 गुना काम को कंप्लीट कर पाएंगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे करते हैं हमारा, अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअल वर्क हमारा कितना है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू क्या है हमारा, एक्चुअल वर्क है। ठीक है ना, एक्चुअल वर्क हमारा क्या है, डब्ल्यू है। तो 6 गुना एकलव्या का देख रहे हैं हम लोग, 6 गुना मतलब 6 गुना उस वर्क को, 6 गुना उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है एकलव्या, 36 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एक वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता होगा, पूरा वर्क को 6 डेज में करता होगा। ठीक है, एक वर्क को कितने दिन में करता होगा, वो 6 डेज में करता होगा। ठीक है, अब फैजल का देख लेते हैं। फैजल का बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ द वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करता है, वो 3 दिनों में कंप्लीट करता है। तो पूरा काम वो कितने दिनों में कंप्लीट करता होगा, फैजल 12 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एकलव्या का भी नंबर ऑफ डेज आ गया कितना, 6 डेज, और फैजल का भी नंबर ऑफ डेज आ गया कितना, आ गया 12 डेज। बस आ गया, हमारे इक्वेशन बन के तैयार है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो फैजल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी एकलव्य का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फैजल का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब क्या बोल रहा है, एक बात या एक चीज और यहाँ पे ट्विस्ट है, तिगुना बोला जा रहा है। कितना बोला है, 3 गुना बोला जा रहा है। तो एकलव्या और फैजल टोटल वर्क का 3 गुना कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ये चीज पूछा जा रहा है। 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, जोड़ दिया 3 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना बच जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 12 डेज, कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस सवाल को, बस इसी तरीके से इस सवाल को हल करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो वो अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या है सवाल। ये एक प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हायर्ड सम एम्प्लॉयज इन ए फिक्स पैटर्न। ऑन द फर्स्ट डे इट हायर्ड 1 पर्सन, ऑन द सेकेंड डे 1 मोर ज्वाइंड हिम, ऑन द थर्ड फोर्थ एटसेट्रा दैट इज एवरी नेक्स्ट डे 1 पर्सन इंक्रीज्ड इन दिस ग्रुप। द कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन वॉज सेम। ठीक है, द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 24th डे, देन आउट ऑफ द टोटल ₹5,000 मैक्सिमम हाउ मच ए पर्सन हैड अर्नड। ठीक है ना, तो देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपको, अच्छा सवाल है ये भी। एक प्रोग्रेसिव कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, हायर करती है, लेकिन उस एक पैटर्न में हायर करती है। ठीक है, रखती है, पहले दिन एक आदमी को रखेगी, दूसरे दिन एक और आदमी को रखेगी, तीसरे दिन तीसरे आदमी को, चौथे दिन चौथे आदमी को, इसी तरह से वो क्या होता है, वो चढ़ता जाता है और चलता जाता है, और हर दिन एक आदमी जो इंक्रीज होता जा रहा है उस ग्रुप में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबकी जो इफिशियंसी है ना, कैपेसिटी जो है ना, सारे पर्सन की क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो दूसरा एम्प्लॉय हमने हायर किया उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, नहीं, सबकी क्या है, इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो बोला जा रहा है कि कंप्लीट और वर्क जो है 24 दिनों में क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, और टोटल वर्क, टोटल पैसे कितने दिए गए, 5,000 पैसे दिए जा रहे हैं। तो हाउ मच ए पर्सन, मैक्सिमम पैसे सबसे ज़्यादा कौन पर्सन अर्न करेगा, मैक्सिमम कितने पैसे अर्न कर सकता है। तो एक चीज़ देखो ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना, 24 दिनों तक हम लोग हायर किए और 24 दिनों में काम क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले तो हमने देखना होगा कि टोटल काम कितना हुआ। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ और टोटल कितने पर्सन हायर किए गए, तो हमें 24 दिनों तक देखना होगा ना कितने पर्सन हायर किए गए हैं। तो कैसे देख सकते हैं, तो पहला दिन क्या था, पहला दिन हमारा पहला एक आदमी था,
दूसरे दिन में कितने हो गएंगे? दो। तीसरे दिन में कितने हो गए? तीन। चौथे दिन में कितने हो गए? चार। ऐसे ही चलता गया, कब तक चलता गया? ये 24वां आदमी जब हायर हो गया है और 24वें दिन में हमारा क्या हो गया, काम हमारा खत्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ के निकाल सकते हैं। यही जोड़ के निकालना होगा ना कि टोटल कितना हमारा काम होगा, तो यहाँ से इसका सम करना पड़ेगा। तो सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 × 24 + 1 बटे में कितना कर लोगे यहाँ पे, दो। ये कितना हो जाएगा, 12 × क्या हो जाएगा आपको, 25। 12 × क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो, अब एक चीज यहां से देखना कि हमें टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं, 5,000। और ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क यही हुआ हमारा। तो 5,000 को डिवाइड हम लोग कर लेंगे तो वर्क का काम निकल जाएगा, पर वर्क का 25। क्लियर है? यहां से क्या निकल गया हमारा, मतलब एक दिन का हमारा काम निकल, पैसा निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा एक वर्क का, एक काम का। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले जो ज्वाइन किया हुआ है, वो 24 दिनों तक क्या किया है, वो काम किया है ना, वो 24 दिनों तक क्या करता गया है, काम करता गया, ठीक है। वो कितने दिनों तक काम करता गया, वो 24 दिनों तक काम करता गया, ठीक है। तो उसको क्या मिलने चाहिए, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, सबसे ज्यादा पैसे उसी को मिलने चाहिए ना जो पहले दिन ज्वाइन किया, क्योंकि वो 24 दिनों तक काम करता गया। तो मतलब वो कितने दिनों तक काम करता गया, 24 दिनों तक वो काम करता गया। तो 24 से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 25 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया आपका, 200। और ये कितना हो जाएगा आपको, 200 से, 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो मैक्सिमम पैसा कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। और किसको मिलेगा, जो पहले दिन ज्वाइन किया, क्योंकि वो हर दिन वो काम करता जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पैसे कितने देंगे हम लोग, 400 रुपये देंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और काफी अच्छा सवाल है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना, ठीक है। क्या कंसेप्ट है ये भी चीज़ यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू पर्सन्स हैविंग डिफरेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर कैन रीप अ फील्ड इन 2 डेज। इफ 1/3 ऑफ द फील्ड वॉज रिप्ड बाई फर्स्ट मैन एंड रेस्ट ऑफ द अदर वन वर्किंग अल्टरनेटिवली टुक 4 डेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द फास्टर पर्सन टू रिप द होल फील्ड वर्किंग अलोन, ठीक है। काफी खूबसूरत सा सवाल है ये, ठीक है। देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन भी समझिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो पर्सन हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब सबकी एफिशिएंसी क्या है, दोनों दोनों व्यक्तियों की क्या अलग है, ठीक है। जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, चलिए मैं लिखता भी जाता हूँ इक्वेशन, जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 2 दिनों में काम को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 2 दिनों में फील्ड को क्या कर देते हैं, खोद देते हैं, रिप कर देते हैं, ठीक है। तो 2 दिनों में खोद के वो बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ 1/3 ऑफ द फील्ड वॉज रिप्ड बाय द फर्स्ट मैन, जो पहला आदमी है वो कितना रिप्ड करता है, सिर्फ 1/3 काम करता है, 1/3 फील्ड को रिप करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, रेस्ट ऑफ द फील्ड को वो 4 दिनों में अल्टरनेटिवली आके, ठीक है, एक दिन बीच आकर वो 4 दिनों में उसको क्या करता है, खोद देता है। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फास्टर पर्सन, तो कितना समय लगेगा एक तेजी वाले पर्सन को उस होल फील्ड को रिप करना है, जब अलोन करना है रिप, ठीक है, अकेला उसको खोदना है, वर्किंग अलोन काम करना, तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो पर्सन हैं, दो पर्सन से अगर मैं लेता हूँ, एक P1 है, एक P2 है, जब दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो 2 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहला पर्सन जो है ना, पहला पर्सन है सिर्फ 1/3 फील्ड को ही रिप कर पाता है, कितना रिप करता है वो, 1/3 फील्ड को क्या करता है, वो रिप करता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है, दूसरा पर्सन जो है ना, बचा हुआ काम, बचा हुआ फील्ड कितना हो जाएगा, 2/3 फील्ड बच जाएगा, उसको 4 दिनों में अल्टरनेटिवली काम करके चला जाता है। तो देखो 2/3 काम वो 4 दिनों में करता है, तो 1 काम कितने दिनों में करता है, 4 / 2 / 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 6 डेज, कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से P1 + P2 कितना है, 2 डेज है, और P2 का कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा P1 + P2 = 2 डेज, और यहाँ पर P2 का कितना हो जाएगा आपका, 6 डेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब दोनों का अगर मैं टोटल वर्क देखूँ दोनों का लेकर, तो कितना आता है, 6 डेज आता है, 6 आता है, सॉरी 6 आता है, 6 यूनिट आता है, ठीक है। तो इसका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, 3, और इसका 1 डे वर्क हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो जब अगर
P2 वन काम करता है एक दिनों में, और दोनों मिलकर कितना करते हैं, तीन करते हैं, तो P1 कितना कर रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है दो कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं P1 का निकालने चाहूँ तो यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि P1 जो है बहुत फास्ट काम करता है, कितना काम करता है वो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है। P2 जहाँ एक ही कर पा रहा है, P1 कितना कर दे रहा है, दो कर रहा है, मतलब फास्टर काम है यहाँ पे निकालना, टेक फॉर द फास्टर पर्सन। तो फास्टर पर्सन का कितना है टोटल काम, कितना है 6 है, और ये कितना करता है दो करता है, कितना आ जाएगा 3 days, मतलब 3 दिनों में वो पूरे फील्ड को क्या कर लेगा, खोद के रख देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 18, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर्किंग वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 18, ठीक है। किसी फैक्ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ आदमी, औरतें और बच्चे जो काम करते हो कितने, 18 हैं, ठीक है। वो एक दिन में कितना कमाते हैं, 4,000 रुपये कमाते हैं, एक दिन में कितना कमाते हैं वो, 4,000 रुपये कमाते हैं। इफ द सम ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मेन ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रेन इज इन द रेशियो ऑफ 18, 10 एंड 12, एंड इफ द वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन इज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3, ठीक है, देन हाउ मच अ वुमेन अर्न इन अ डे, ठीक है। अगर सबका वेजेस का जो सम है, ऑल आदमी ले लिया, ऑल औरतें ले लिया, और सारे चिल्ड्रन ले लिए, सारे बच्चे ले लिए, उसका रेशियो कितना, 18:10:12। अगर इंडिविजुअल मेन वुमेन, अगर हम एक व्यक्ति की बात करें और एक वुमेन की बात करें और एक बच्चे की बात करें, तो उनका इंडिविजुअल वुमेन, मेन वुमेन और चिल्ड्रन का वेजेस कितना, 6:5:3 है। तो पूछा जा रहा है कि एक औरत एक दिन में कितना कमाती है, ठीक है, सवाल समझ गए होंगे आप, एक औरत एक दिन में कितना कमाती, ये चीज यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल आदमी, औरतें और बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पर मेन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रेन कितने हैं टोटल, यहाँ पे 18 है, ठीक है, सब मिलाकर कितने, 18 है। लेकिन यहाँ पर जो है सम ऑफ वेजेस, जो वेजेस का जो रेशियो दे रखा गया, वेजेस का रेशियो कितना दे रखा गया, सबका जोड़ कर है, ठीक है, सारे व्यक्ति आदमी का इधर है 18, और सारे वुमेन का कितना आपको 10 है, और सारे बच्चों का कितना यहाँ पे 12 है, ठीक है, वेजेस को जोड़ के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल मेन का वेजेस जो, इंडिविजुअल ये क्या है, टोटल है, ये क्या आपको टोटल है, ठीक है। अब इंडिविजुअल का बोल रहा है, इफ द वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेन वुमेन, ठीक है, इंडिविजुअल कितना आपको 6:5 है, 2 कितना आपको 3 है, ठीक है, ये इधर हो गया मेन, इधर हो गया वुमेन, और इधर क्या हो गया आपको चिल्ड्रन हो गया, क्लियर यहां तक। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो गया, इंडिविजुअल वेजेस हो गया, नीचे वाला जो हो गया 6:5:3 क्या हो गया, इंडिविजुअल वेजेस हो गया। अगर मैं बोलूं कि आदमी का रेशियो, आदमी कितने नंबर ऑफ आदमी है, कितने नंबर ऑफ औरत है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उनका रेशियो क्या होगा, तो नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस का रेशियो अगर निकालने अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ पर क्या आदमी है, यहाँ पर क्या औरत है, और यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो टोटल वेजेस और इंडिविजुअल वेजेस, एक आदमी का वेजेस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो टोटल नंबर ऑफ आदमी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आदमी, टोटल नंबर ऑफ औरत, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अलग अलग सबका रेशियो कितना आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 10/5, और यहाँ पर कितना लिखोगे, 12/3, कितना हो जाएगा, 3:2:4, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मतलब आदमी, औरत और लड़कों, बच्चों का कितना रेशियो है आपको, 3:2:4 है, ठीक है। टोटल कितने यहाँ पे, 18 है, ठीक है, ये 3 भाग में बटेगा, एक तो हो जाएगा यहाँ पर आपको मेन, यहाँ पर वुमेन, और यहाँ पर कितना है चिल्ड्रन, ये कितना आपको 3 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना आपको चिल्ड्रन 4 है, 4 2 5 4 2 6 3 9, 9 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, मतलब 6 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, और 8 के आपको बच्चे हैं, ये सारा आ गया हमारा। नंबर ऑफ मेन कितने हो गए, 6 हैं, नंबर ऑफ औरतें कितने, 4 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 8 हैं, सारा निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे करना क्या है,
अब हमने यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक औरत का कितना अर्निंग है, तो टोटल अर्निंग वो कितना करते हैं, 4,000 अर्निंग करते हैं। टोटल अर्निंग कितना करते हैं, 4,000 करते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना है यहाँ पे, ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पर ये क्या था, ये इंडिविजुअल वेज का क्या था, इंडिविजुअल, बहुत ध्यान से समझिएगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इंडिविजुअल वेज का था ना सबका, आदमी का इंडिविजुअल वेज कितना था, 6 था, औरत का कितना है, 5 है, और चिल्ड्रन का कितना, 6 है। तो अगर मैं इनको अगर गुना कर दूं, नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं, तो सबका वेजेस निकल जाएगा। मतलब क्या है कि 4,000 जो है वो कितने भागों में बट रहा है, 3 भागों में बट रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपको, मेन है, यहाँ पर कौन है, वुमेन है, और यहाँ पर कितना है, चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेजेस क्या है इसका, आदमी का अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल कितना है, 6 है, और कितने लोगों में जा रहा है, 6 लोगों में जा रहा है, तो मतलब कितना लिखेंगे, 6 × 6, ठीक है। ये 5 इंडिविजुअल वेज है, इंटू कितने औरतें हैं, 4 है, ठीक है। यहाँ पर 3 इंडिविजुअल वेज है और कितने चिल्ड्रन है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36, ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा आपको, 24। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 10, 3 × 2 = 5, 6 × 7 = 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सबका निकाल लो, औरत का निकालना था ना, तो औरत का भी निकाल लो यहाँ से, 80, 80 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 80 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 1 0 यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। और हमको किसका निकालना है, औरत का निकालना है, तो औरत का निकालना सिर्फ औरत में ही ध्यान देते, 50 × कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 50 × क्या हो जाएगा, 20। अच्छा ये 4 क्या था, 4 जो था कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है एक वुमेन का, तो इसको 4 से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो 4 से डिवाइड करें तो कितना जगह, 5 से चला जाएगा, और ये कितना जगह आपके यहाँ से, 250 रुपये। मतलब एक औरत का 4,000 रुपये में कितना उसको पैसा मिलेगा, 250 रुपये ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। 250 क्या हो जाएगा इसका, वेज हो जाएगा एक औरत का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज पुट ऑन ए जॉब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वन वर्कर वॉज विड्रॉन ईच डे द जॉब वॉज फिनिश्ड वेन द लास्ट वर्कर वॉज विड्रॉन हैड नो वर्कर बिन विड्रॉन एट एनी स्टेज द ग्रुप वुड हैव फिनिश द जॉब इन 55% ऑफ द टाइम हाउ मेनी वर्कर्स वर देयर इन द ग्रुप, ठीक है। देखिए समझिएगा इस सवाल को, इसमें क्या बोल रहा है ना कि कोई ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जो कि जॉब पे उनको रखा गया, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स एक एक आदमी क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक द जॉब वॉज फिनिश्ड वेन द लास्ट वर्कर वॉज विदड्रॉन, जिस दिन लास्ट वर्कर छोड़ा उस दिन क्या हो गया, हमारा जॉब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हैड नो वर्कर बिन विड्रॉन एट एनी स्टेज, मतलब बीच में कभी भी कोई वर्कर छोड़ा नहीं है, और द ग्रुप वुड हैव फिनिश, तो वो ग्रुप जो है 55% ऑफ द टाइम, जो टाइम हमने स्टिपुलेटेड टाइम था उसके 55% समय में ही उस काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो कितने वर्कर थे इस ग्रुप में, तो कितने वर्कर थे इस ग्रुप में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं वर्कर अगर मानूं कि वर्कर यहाँ पर कितने थे, एम वर्कर थे, कितने थे, एम वर्कर थे, और अगर मैं डेज बोलूँ कितने डे डेज में तय किया गया था ये काम को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तय किया गया था क्या, इन काम को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल अगर हमारा काम जो है, अगर हर दिन एक एक वर्कर छोड़ते जाएंगे, तो टोटल हमारा काम जो है वो मेरा जो लास्ट वर्कर जो छोड़ेगा ना उस दिन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, मेरा 55% ऑफ द टाइम, जो टाइम है उसका 55% समय में ही हमारा काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क लिख सकते हैं m × 55/100 × d, ठीक है। 55% डी का कितना, 55%, ठीक है, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब देखो हर दिन क्या एक व्यक्ति छोड़ रहा है, मतलब अगर पहला दिन अगर एम है तो दूसरा दिन कितना आपको, m-1 है, उसी तरह से तीसरा दिन क्या है आपको, m-2 हो जाएगा, उसी तरीके से m- कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि लास्ट में सिर्फ एक आदमी ही बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा आपको, एक ही आदमी बचेगा, ठीक है। फिर वो भी क्या हो जाएगा आपको, छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज बोल सकते, इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालना पड़ेगा हमें, सब निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये कितने दिनों तक काम करेंगे? ये काम करेंगे एम दिनों तक ही काम करेंगे, क्योंकि जितना हमने आदमी लिया है वो आदमी हर दिन क्या करता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो वो कितने दिनों तक काम करेंगे? वो एम दिनों तक ही काम करेंगे। ठीक है, कि एम दिनों से क्या करेंगे, वो ज्यादा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, एम दिनों तक ही काम करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको इनका क्या करना पड़ेगा, सम को निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू एम प्लस वन बटे में कितना हो जाएगा आपको, बटे में हो जाएगा आपको टू, यही सब निकाल लेंगे ना। अच्छा, ये डी जो होगा वो डी कितने के बराबर होगा, एम के बराबर ही होगा, क्योंकि डी डेज तक ही काम, एम डेज तक ही काम करेंगे ना, आदमी खत्म तो दिन भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एम जितना बड़ा होगा उतना ही दिन तक हम लोग जाएंगे, तो डी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा। तो मतलब मैं जो फाइनल इक्वेशन मेरा बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम इंटू 55/100 इंटू क्या हो जाएगा आपको, एम इज इक्वल टू एम इंटू एम प्लस वन बटे में कितना लिख लेंगे, टू। ये एम एम क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। ये कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 एम हो जाएगा, और 10 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना, 10 एम हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। एम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हमें हल करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि टू वर्कर्स अंडरटेक टू अ जॉब, द सेकंड वर्कर स्टार्टेड वर्किंग 2 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट, 5 आवर्स आफ्टर द सेकेंड वर्कर हैज़ बिगेन वर्किंग, देयर इज स्टिल 9/20 ऑफ द वर्क टू बी डन। व्हेन द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, इट टर्न्स आउट द फर्स्ट वर्कर हैज़ डन 60% ऑफ द वर्क, वाइल सेकेंड वर्कर हैज़ डन रेस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, हाउ मेनी वर्क आवर्स वुड इट टेक ईच वन टू डू द जॉब, द होल जॉब इंडिविजुअली। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है ना, कि दो वर्कर किसी काम को करने का जिम्मा लेते हैं। ठीक है, अंडरटेक टू टू ए जॉब। ठीक है, अब क्या होता है कि द सेकंड वर्कर स्टार्टेड वर्किंग 2 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट, मतलब स्टार्ट तो कर दिया इन्होंने काम करना, लेकिन पहला जो 2 घंटा है ना, सिर्फ पहला वर्कर काम करता रहा, पहला वर्कर काम करता रहा उसके 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे के बाद सेकंड वर्कर जो है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है। उसके बाद क्या है कि दोनों मिलकर 5 घंटे काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों मिलकर 5 घंटे उसके बाद काम करते हैं, जिसके बाद हमारा 9/20 ऑफ द वर्क टू बी डन। ठीक है, उसके बाद अभी भी 9/20 गुना हमारा काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। व्हेन द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, जब हमारा असाइनमेंट कंप्लीटेड हो जाता है, तो हमें ये चीज पता चलता है कि पहला वर्कर 6% वर्क ही कर पाया है, वाइल द सेकेंड वर्कर हैज डन रेस्ट ऑफ द वर्क, जो बचा हुआ काम था वो क्या है हमारा, दूसरा वर्कर किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा हमसे कि अगर दोनों इंडिविजुअली काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, ये चीज हमें आप बताइए। ठीक है, समझ गए सवाल को। देखो, इसमें मैं कुछ आपको अलग तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि यहाँ पे 2 वर्कर, एक पी वन एक पी टू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी इस क्वेश्चन को। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बनाना, अगर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप आसानी से बना पाओगे। क्या बोल रहे कि 2 घंटे बाद सेकेंड वर्कर ज्वाइन किया, मतलब क्या है कि 2 घंटे जो है पी वन हमारा काम करता रहा, पी वन हमारा कितना करता रहा, 2 घंटे काम करता रहा, यही चीज समझ में आ रहा है यहाँ से हमको। ठीक है, अब उसके बाद पी वन और पी टू ज्वाइन कर लिए 2 घंटे के बाद, और ये दोनों जो हैं कितने घंटे तक काम करते रहे, 5 आवर्स, 5 आवर्स तो काम करते रहे, 5 आवर्स तक काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि 9/20 ऑफ द वर्क अभी भी काम करना बच गया है, जब ये 5 घंटे काम कर लिए हैं तो इसके बाद भी पी वन और पी टू काम कर रहा है, इसके बाद भी पी वन और पी टू काम कर रहा है, और 9/20 वर्क अभी भी बचा हुआ है, 9/20 वर्क अभी भी बचा हुआ है, टोटल वर्क का 9/20 वर्क अभी भी बचा हुआ है। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पी वन और पी टू अब तक यहाँ तक कितना काम कंप्लीट कर लिए होंगे, जब 9/20 वर्क अभी भी हमारा बचा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम कर लेंगे, 11/20 वर्क कंप्लीट किए होंगे इन 7 घंटों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पी वन जो है ना,
P1 जो है 60% वर्क कंप्लीट करता है। टोटल वर्क जब कंप्लीट हुआ हमारा, तो हमें ये चीज़ पता चला कि पहला पर्सन जो है 60% वर्क कंप्लीट करता है और दूसरा वर्कर जो है, इसका मतलब 40% रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क कौन किया आपको, P2 कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में करना क्या हम लोगों को, देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे प्रोसीड करेंगे ना, ठीक है, जैसे जो भी चीज़ हमको मटेरियल दे रखा गया, अगर हम ऐसे प्रोसीड करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम मत करना। ठीक है, कभी कभी क्या किया करो ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में देखो तो दोनों का दे रखा गया। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा गया, दोनों का वैल्यूज दे रखा गया। अगर किसी एक का वैल्यूज दिया रहता ना, तो दिक्कत होती, तब हमें ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ता। ठीक है, आगे से ही प्रोसीड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों के वैल्यूज दे रखा गया, वही पूछा भी जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग नीचे से ऊपर जाते, ऊपर से नीचे नहीं आते, नीचे से ऊपर जाते, मतलब बैक में जाते, रिजल्ट से हम लोग पीछे की तरफ जाते। अगर मैं बोलूँ एक एक करके ऑप्शन को लेके देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि पहला ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है, अगर मैं पहला ऑप्शन को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, पहला ऑपरेशन ऑप्शन को लेता हूँ, तो पर्सन वन का कितना आ रहा है आपको यहाँ पे, 10 घंटे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन का पर्सन का कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे, 12 घंटे आ रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे और कितना आ रहा है आपको यहाँ पे, 10 घंटे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालना चाहूँ, तो टोटल वर्क इनका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब पहले ऑप्शन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, P1 कितना काम कर रहा है, 2 घंटे, तो 2 घंटे में इसने कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया, मतलब कितना काम किया इसने, 12 काम कर दिया। ठीक है, अच्छा, P1 प्लस P2 5 घंटे काम की, तो मतलब 6 5 11 ग्यारह, और कितने देर तक काम किया इन्होंने, 5 घंटे तक काम किया, तो मतलब कितना हो जाएगा ये, 55, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा, 67, और टोटल काम कितना हमारा, 60। ये चीज़ हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हमारा, रॉन्ग है। पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग है। देखो पॉसिबल है ही नहीं, पूरा काम तो हमारा 60 है, और यहाँ पर कितना कर रहा है, 67 कर दे रहा है इसी में, तो बाकी का काम भी तो हमें करना है, तो ये हमारा पॉसिबल आंसर नहीं है। तो देखो अब हम लेते हैं सी ऑप्शन लेते हैं, देखो कैसे आंसर, यही आंसर यही है हमारा, सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हम लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोल रखा गया, सी ऑप्शन में P1 का वैल्यूज कितना है, 20 है, और P2 का वैल्यूज कितना है, 25 है। ठीक है, अब चलिए अभी अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, तो अभी टोटल वर्क निकालता हूं अगर 25 से, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर, पुट करते हैं, P1 कितना कर रहा है हमारा, 2 घंटे में P1 हमारा कर देगा 10। ठीक है, P1 P2 कितना करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 45, 9 5 45। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, 55। ठीक है, 55 हो गया, और टोटल वर्क कितना हमारा, 100 है, 100, 100 से डिवाइड करके देख लेते कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20। कितना जगह हमारा, 11/20। देखो यहाँ पर भी हमारा 11/20 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 11/20 हमारा दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन हमने चूज किया वो क्या किया, सही किया, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप हमेशा ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे जाओगे सामने से, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, हो सकता है गलत भी हो जाते। इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन के थ्रू ही जाना सही समझा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये सवाल। ए ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 डेज, बट सिंस 20 मेन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, द जॉब कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 7th डे, हाउ मेनी मेन वर देयर एट द बिगनिंग। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है ना, कि कोई ग्रुप ऑफ मेन थे जिन्होंने डिसाइड किया कि किसी काम को हम लोग 4 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्या हुआ कि सिंस 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, मतलब हर दिन कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, 20 लोग आदमी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, 20 आदमी छोड़ते हुए जा रहे हैं हर दिन, तो ये जॉब जो है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, ये जॉब जो है वो कंप्लीटेड इन 7th डे, 7वें दिन ये क्या होता है हमारा जॉब, मेरा कंप्लीट होता है 7वें दिन में, ये जॉब हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कितने मेन हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, कितने मेन वहाँ पे हमने ज्वाइन कराए थे उस काम को। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सवाल को देख लेते हैं।
देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, एक ग्रुप ऑफ मेन, तो ग्रुप ऑफ मेन अगर बोला जा रहा है तो ग्रुप ऑफ मेन हम ले लेते कि एम लोग हैं। कितना है ग्रुप ऑफ मेन? एम लोग हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पहला दिन एक आदमी काम किया, ठीक है, पहला दिन एक आदमी काम किया, सॉरी यहाँ पहला दिन एम आदमी काम किए, ठीक है। फिर दूसरा दिन क्या होगा? फिर दूसरा दिन क्या बोला, सिंस 20 मिनट ड्रॉप्ड एवरी डे, मतलब फिर दूसरा दिन कितने करेंगे, फिर आपको -20, और दूसरा दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, फिर इसका मतलब फिर उसके बाद फिर से 20 लोग छोड़ के जाएंगे, ठीक है। फिर से 20 लोग छोड़ के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -40, ठीक है, -40। अच्छा, और फिर ये भी कितने दिन काम करेंगे, एक दिन काम करेंगे, फिर -, कितना हो जाएगा, 60, समझते जाइएगा। फिर एक दिन काम करेंगे, हर दिन 7 दिन तक, 7 दिन में कंप्लीट होगा, मतलब कितने, 1, 2, 3, 4 दिन हुआ है। फिर उसके बाद -80, ठीक है, -1 प्लस -100 -1, ठीक है, कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया। अब 7वें दिन -, कितना हो जाएगा, 120, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा इस साइड, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये कितने दिनों तक गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिनों में हमें काम कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, 7m हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 7m मैंने कॉमन आउट निकाल लिया, बाहर कर लिया, अब यहाँ पर कितने बचते हैं, अब यहाँ पर कितने लोग बच जाते हैं, यहाँ पर माइनस सब में से मैं कॉमन आउट कर ले रहा हूँ, 20 है, 40 है, 60 है, 20 सब में से मैंने माइनस को कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 20 हो गया +40 प्लस कितना हो जाएगा, 60 +80, और ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा हमारा, 120। सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देख लो, एक चीज कर सकता हूँ मैं, 7m को इधर लेते हैं और माइनस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3m इज इक्वल टू 20 +40 +60 +80 एंड सो ऑन, कहाँ तक चला जाएगा, ये 120 तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका 3m, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सबका जोड़ निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, SM इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ठीक है, और 2a हो इनटू a क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया, n क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो इसको भी इसी तरह जोड़ देते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, देखो एक तो यहीं पे घट जाएगा, ठीक है, एक तो यहीं पे घट जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो मतलब 6/2 में कितना लिखेंगे, 2, ठीक है। पहला टर्म हमारा क्या है, 20 है ना, तो 2 इंटू कितना लिख लेंगे, 20 प्लस n-d, मतलब 6-1 इंटू डी, डी कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना, 20 का डिफरेंस कर लिया, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 3 यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू, ये कितना लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, 2 2 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 6-1 5 आएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 20 कितना हो जाएगा, 140। मतलब 140 आदमी डिसाइड किए थे, वो ग्रुप ऑफ आदमी कितने थे, 140 लोग थे जो कि डिसाइड किए थे उस काम को करने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना था, हल करना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो उससे आपको सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे थे तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इस चैनल को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस बुक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे होगे ना, किसी भी एग्जामिनेशन में, जो भी मैंने आपको एग्जामिनेशन बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप बैठे होगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये सब सॉल्यूशन देखोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, और आप उस तरह के उस अप्रोच को वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।